तो ही गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले काफी सारे इंटरेस्टेड अपडेट के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम 1K के काफी ज्यादा करीब हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट है UK07 राइडर के बारे में। तो आपको तो पता होगा कि UK07 राइडर बिहार गए थे मीटअप के लिए, तो बिहार में उनके साथ बदतमीजी किया गया। तो बिहार के एक यूट्यूबर है अभिषेक जी करके, तो उन्होंने इसी को लेकर के UK07 राइडर को एक्सपोज किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। ने अपनी वीडियो में कहा कि हम तुम्हारे नाम का, तुम्हारे फेम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वीडियो के लिए। भाई थार पे चढ़ गए थे और पूरा रुल्ला उल्ला काटा है चढ़ के। भाई जहां हमने मीटअप अरेंज करवाया था ना, वहां पे दो ही जगह थी ऊंची जहां से भीड़ चढ़ के भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था। एक वो स्टेज जहां पे मैं खड़ा होकर सब माइक में मैनेज कर रहा था, और दूसरा जिसपे हमजा भाई चढ़े थे। मैं गलत हूँ। तीसरी एक और चीज थी उस भीड़ में, सबसे ऊंची जो था तुम्हारा घमंड, मगर हम उस पर तो चढ़ नहीं सकते, हमारा तो वो रास्ता ही नहीं है। क्योंकि भाई हम हैं सो कॉल्ड यूट्यूबर, हम उतनी ऊंचाई पर कभी चढ़ ही नहीं सकते, उस तरीके से पहुंच ही नहीं सकते। हम तो बिहार में बीआर नंबर गाड़ियां ला ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट अपडेट है सौरभ जोशी के बारे में। तो वो अपने फैंस को थैंक्स बोले, और उन्होंने क्यों थैंक्स बोले आप खुद देख लीजिए। एक्चुअली मामी के ना पैर की नस कट गई है, पहाड़ों में रहते हैं ना, तो पहाड़ों में वहाँ पे कुछ तीन वगैरह से पैर की नस कट गई है, तो वो आज ऑपरेशन होगा उसकी नस ठीक करने। गाइस मुझे ना आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना है, बिकॉज आप लोग वैसे मैं अपने रिलेटिव्स की भी हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर YouTube नहीं होता तो पता नहीं क्या ही करते हम, कहीं से पैसे मांग मांग के। मम्मी का भी ऑपरेशन करवाया था हमने, फिर हमने दादाजी का भी करवाया था, अब मामी का भी। और गाइस पता है एक टाइम पे मेरे पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, बिकॉज कॉलेज में फीस थी अराउंड 3 लाख रुपए साल की फीस थी, और मेरे कॉलेज मिल रहा था अच्छा वाला, थोड़ा प्राइवेट था लेकिन वो अच्छा कॉलेज था। तो पापा जी कहा इतनी फीस है नहीं, तो मैं लोन भी लेने वाला था, तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, पैसे थे नहीं, तो फिर मैं कॉलेज गया ही नहीं, फिर मैंने ओपन। तो नेक्स्ट अपडेट आदर्श सिंह के बारे में। तो आपको तो पता होगा कि आदर्श सिंह ओमिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो अपने वीडियो के लिए काफी सारे सॉन्ग्स को यूज करते हैं, तो उनको कॉपी क्लेम आ जा रहा है, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो इसी को लेकर उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। दुख की बात बताऊं क्या है, तो मैं इन जो वीडियोज है इनके YouTube एड रेवेन्यू से ना के बराबर कमा रहा हूँ, मतलब जीरो, समझ लो जीरो कमा रहा हूँ लास्ट के 2-3 महीने से। और ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक तुम सोचो मेरी वीडियो मान लो 10 मिनट की है, ठीक है, और उस 10 मिनट में से 5 सेकंड मैंने कहीं पे सारेगामा का सॉन्ग यूज कर लिया, तो वो मैनुअली मतलब ढूंढ के वो गाना कहाँ क्या है हर वीडियो पे मैनुअली उसी वक्त जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके आधे घंटे बाद, ठीक है, आधे घंटे बाद वो ढूंढ के उस स्पॉट पे मतलब 5 सेकंड या 6 सेकंड पे कॉपीराइट मार देते हैं, और सारा रेवेन्यू जितना महीने का जितने भी बनते हैं मेरे पूरी वीडियो की रेवेन्यू वो ले जाते हैं 10 से 5 सेकंड के लिए, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो नेक्स्ट अपडेट है फुकरा इंसान एंड ट्रिगर इंसान के बारे में। तो आपको तो पता होगा कि फुकरा इंसान एंड ट्रिगर इंसान का न्यू सॉन्ग आने वाला है, तो इसी से रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। गाइस फाइनली मुद्दतों के बाद, सालों के बाद हमने तुम मेरे 2 के शूट के लिए लोकेशन फाइनल कर दिया है। और हीरो तुम मेरे 2 में, हीरो तो मैं ही हूँ, मेरी पर्सनालिटी हीरो वाली है ना। तू हीरो है, तू साइड रोल में ठीक रहेगा। मैं साइड रोल में हूँ तुम मेरे 2 में। ओके तो क्या हुआ, अभी हमारी गाड़ी फाइनलाइज हो गई है, ठीक है, तो हम लेने वाले एक लाल कलर की पोर्श। ओके ठीक है, पोर्श खरीद रहे हैं हम, खरीदने वाली तो हमारा लेवल नहीं है अभी। वाओ गाइस वाओ, हम लाल कलर की पोर्श ले रहे हैं शूट के लिए भाड़े पे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।